कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, कर्म रूपी खजाना। सचमुच खजाना तो उसी को कहा जाता है जो सतत हमारा बढ़ता जाए, तब वो खजाना है। अगर उसमें कमी आती जाए तो वो खजाना कैसा खजाना। कहते हैं खजाना खाली हो गया। लेकिन जब हम कर्म रूपी खजाने की बात करते हैं तो इस कर्म रूपी खजाने का जो सिद्धांत है वो समझना बहुत जरूरी है। और वो सिद्धांत यही है कि हम जो करते हैं उसका प्रतिफल निश्चित तौर पर आता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? जिंदगी में जब हम आगे किसी भी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं, प्लान करते हैं। चाहे वो हमें एजुकेशन लाइन में जाना है तो हमारी प्लानिंग चलती है, मुझे मेरा 11th हो गया, 12th हो गया, अब मुझे ये लाइन लेनी है, ऐसे ऐसे करना है।
मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिकल में जाना है। हम सोचते, प्लान करते, फैमिली लाइफ में भी हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, घर में ये काम है, बच्चे के लिए प्लान किया जाता है, इसको आगे ऐसे बढ़ाना है। हर चीज के पीछे एक सोच है। सोच, जब हम कोई भी कार्य सोचते हैं, लेकिन उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं, दोनों के बीच में जो गैप है, सोचना और क्रियान्वित, उसके बीच में एक बहुत सुंदर कड़ी, वो है मेरी भावना। मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, किस भाव में आकर मैंने कार्य किया है, सोच के पीछे भी मेरा क्या भाव है। कई बार जब आप सोचते हो, सोचने के साथ साथ ही मेरे अंदर कटु भाव जागृत होते हैं। इसलिए कहते हैं, मनुष्य सारे दिन में कम से कम 100 मूड बदलता है। अभी देखो, पल में ईर्ष्या का भाव जागृत होता है तो चेहरा कैसा हो जाता है, दूसरे ही पल द्वेष आ जाता तो चेहरा कैसा हो जाता, कभी किसी को देखकर आपके मन में सहानुभूति का भाव जागृत होता, किसी को देखकर वैर विरोध का भाव जागृत होता है, किसी को देखकर बदले का भाव जागृत होता है। सोच के साथ मेरा भाव, और यहीं से कर्म की शुरुआत हो जाती है। तो हम अगर इक्वेशन बनाएं, तो ये हम कह सकते हैं, सोच मेरा भाव, और उसी अनुसार जाकर मेरे कर्म होते हैं, या हम उसको रूप दे पाते हैं। मान लीजिए, एक छोटी सी बात कहें, अगर मैंने किसी को पानी का ग्लास भी दिया, घर में कोई आया, मुझे पानी का ग्लास देना है, कहते हैं भाई मेहमान आए हैं, पानी तो पिलाओ। अब हो सकता है जब पानी पिलाने की बात आई, मुझे कहा गया, तो मेरे अंदर आया, अरे क्या, मेरा तो ये काम रह गया, क्या मजबूरी है, मुझे ही करना पड़ेगा, अब किस भाव से पिलाए। और अगर मैंने उसके साथ पानी तो पिलाया, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट से पिलाया, अब ये कौन से कर्म, मैंने सम्मान दिया, तो कर्म के साथ मेरा सम्मान का भाव, ये जो सम्मान का भाव मैंने दिया, उस अनुसार ही मेरा प्रतिफल आएगा। स्वाभाविक पीने वाला व्यक्ति भी कहेगा, अरे वाह, प्यास बहुत लग रही थी, आप इतना प्यार से पानी लेकर आए हैं, मुझे तृप्ति हो गई। और कई बार व्यक्ति कहता है, अरे इतने सम्मान और प्यार से आप दे रहे हैं, तो प्यास ना भी हो तो भी मैं अवश्य इसको स्वीकार करूंगा, आप इतना प्यार से दे रहे हैं, आप लेकर के आए। तो कर्म में मेरे दो चीजें मैंने उसमें डाली, सम्मान का भाव, प्रेम का भाव। तो ये जो मैंने दो चीजें डाली, उसने सामने वाले को भी क्या महसूस कराया, उसके दिल से उसी क्षण, तत्क्षण शुक्रिया का भाव जागृत, कि मुझे आपने पानी ही नहीं, बहुत कुछ दे दिया, आपका प्यार मिला। ऐसा नेचुरल भाव से निकलता है कि पानी तो बड़ी स्थूल बात है, लेकिन मुझे आपका प्यार। तो अभी तो बात जो चल रही है वो है, मैंने किसी को दिया, लेकिन शुरुआत इसकी अगर यूं की जाए कि मैंने क्या अपने आप को प्यार किया। कर्म का सिद्धांत तो स्वयं से लागू होता है, स्वयं से उसकी शुरुआत होती है। मनुष्य जब भी कोई काम अटक जाता है, कहीं कोई फंस जाता है, ज्योतिष के पास चल देता है, कहता है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है बताओ।
क्या मेरे नसीब के बारे में बता सकते हो? ये साल मेरा कैसा जाएगा? होता है हम पूछने चल देते हैं, ये साल मेरा कैसा है। कईयों को आदत होती है हाथ दिखाने की, और वो पूछ लेते हैं कि हाथ देखकर बताओ मेरा समय कैसा चल रहा है, मेरे स्टार्स देखकर बताओ, मेरे स्टार्स। आप सोचिए मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं, ये जो ग्रह का प्रभाव आ रहा है कहां से आ रहा है, मेरे इस समय ग्रह कैसे चल रहे हैं। मान लीजिए ज्योतिष ने आपको कहा कि आपके ग्रह तो अभी ये जो 2.5 साल ढैया आपके ऊपर लगा हुआ है, आपकी सोच कैसी हो जाएगी? अरे बाबा, ये तो 2.5 साल बहुत भारी है, 2.5 साल बड़ा मुश्किल होगा, कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल है। अब इस प्रकार की जो सोच आई, इस प्रकार की सोच आते ही मेरा मन कैसा हो जाएगा, मेरे मन में एक उथल पुथल, अजीब सी उथल पुथल हो जाएगी, मेरा कार्य में मन नहीं लगेगा। और मान लीजिए इसके साथ अगर आपको किसी ने कह दिया आपके लिए ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति आपकी किस्मत में, ये नसीब में, ये आपके लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, अब आपकी सोच उस व्यक्ति के बारे में क्या बन जाएगी? अरे सारा इसके कारण है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण। अब मैं क्या करना चाहूंगी, अब मैं क्या करना चाहूंगी, मैं उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से हटाना चाहूंगी, अपने जीवन से उस व्यक्ति को हटाना चाहूं। अब उस व्यक्ति को अगर मैं अपनी जिंदगी से हटाना चाहती हूं तो क्या होता है? बच्चों का खेल खेला होगा कभी आपने, सीसॉ खेलते, और वो सीसॉ में क्या होता है, दोनों तरफ बच्चे बैठे हुए होते हैं। अगर एक बच्चा उसको खेलते खेलते कई बार बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं, अरे एक बच्चा गिर जाए तो क्या हो जाता है, दूसरा भी स्वतः उसको झटका लगता और गिर जाता। ठीक इसी प्रकार अगर इसको हम देखें, अगर एक व्यक्ति सी सौ पे खड़े हैं, दोनों इंच पे खड़े हैं, उसने एक ने धक्का मारा, वो गिरा, स्वाभाविक दूसरा एज का बैलेंस बिगड़ा, क्योंकि दूसरा भी उस दूसरे किनारे पर, उस एज का बैलेंस बिगड़ा, प्रभाव कहाँ है, धक्का देने वाले पर भी आएगा, देने वाले पर आया, और जब देने वाले पर आया तो वो भी गिरा। हम कई बार सोचते हैं कि सामने वाले पर ये ठीक नहीं है, मैंने उसके साथ अपने व्यवहार को गलत कर दिया, इसको जीवन से हटा देता हूं, उसको गिरा देता हूं, सामने मैंने अगर बंदूक चलाई वो कहां असर आएगी, वो गिरेगा, गिरेगा तो असर मुझ पर भी आएगा ही आएगा, निश्चित निश्चित। कर्म का प्रभाव जो आता है वो बिल्कुल ठीक इसी तरह ही आता है कि मैंने जो सोचा, हमारी शुरुआत जो बात चल रही थी सोच से शुरू होती है, सोच के साथ हमारी जो इस इक्वेशन में दूसरी चीज आ रही है, मेरी भावना, भावना के बाद तीसरी चीज जो हम मर्ज करते हैं उसमें वो आते हैं मेरे बोल, मैंने सोचा, मेरे अंदर एक भाव जागृत हुआ, और भाव जागृत होते ही वो मुख से निकला, मैंने बोल कौन से बोल। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस शुरुआत कहां से होती है, वो अंदर से ही हो जाती है,
इसलिए कहा जाता है, बड़े बड़े युद्ध जो मैदानों में खेले किए जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध जो मैदानों में होते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आप देखिए, बड़ी बड़ी बातें जो हम सुनते हैं, अंजाम दिए जाते हैं, वारदातें होती हैं, उसकी शुरुआत कहां से? मनुष्य मन से। मनुष्य मन ही दूषित हो रहा, उसका ही प्रभाव आगे जा रहा है। मैं कैसा सोचता हूं? अब मुझे अगर मेरे जीवन में क्वालिटी चाहिए, मेरे जीवन में खुशी चाहिए, तो मेरी जिंदगी में खुशी लाने के लिए मेरे अंदर की सोच की क्वालिटी मुझे बदलनी होगी। कई बार हम सोचते हैं ये सामने वाला ऐसा, इसको ऐसा ही मिलना चाहिए, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन याद रखें, जो हम देते हैं वही तो लौट कर आएगा ना। जो देंगे, जैसा हम देंगे वही तो लौट करके आएगा। क्योंकि कहा जाता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, हम क्या दे रहे हैं। और प्रभाव वहां नहीं, लेकिन सबसे पहले ये निश्चित जानिए उसका प्रभाव मुझ पर है, खुद पर है, खुद पर। क्योंकि जो मैं दे रहा हूं वो कहीं गुना अधिक होकर ही लौटना है। जो भी दे रहा वो कई गुना अधिक होकर के लौटना है। आपने छोटा सा किसी को धक्का मारा, अगर उसको चेन की तरह देख लेंगे, चेन में बंधी हुई चीजें हैं, आगे मल्टीप्लाई होते 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 जब लास्ट में आएगा उसका इफेक्ट मल्टीपल होकर के आपके ऊपर आने वाला, मल्टीपल होकर के। ये जो लॉ है, जो फिजिक्स के लॉ बने हुए हैं, उसका सीधा संबंध आपके अपने जीवन के साथ भी है। हम जो दे रहे हैं, देखिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने जो किया, जो भी कर्म किया, उससे मैं क्या रिस्पॉन्स चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरा भाग्य बने, मेरा भाग्य उत्तम हो, मेरे जीवन में अच्छा रिस्पॉन्स आए, मेरे जीवन में खुशी आए। लेकिन क्या मैंने वो खुशी से किया? मैंने वो खुशी से किया, ये मुझे समझना होगा। मैंने कैसे किया? अगर बात करूं तो सिद्धांत ये बात कही जाती है, सिद्धांत हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपने बॉल मारी, जितने फोर्स से मारी उतने फोर्स से ही तो लौट करके आई, जितने फोर्स से उतने फोर्स से ही लौट करके आने वाली। जो दिया है वो लौट करके आएगा। मैंने क्या थी? न्यूटन लॉ, मैंने एक बॉल मारी, इधर से उधर से भी एक बॉल, इधर से दो मारी उधर से भी दो, इधर से तीन मारी इधर से भी उतने उतना ही मल्टीप्लाई होकर के आ रही। क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो दिया और जितने फोर्स से दिया, इसलिए कहते हैं ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस संसार बहुत बड़ा गुंबद है, इसमें आप जो देते हो वही लौट करके आता है। ये सृष्टि का नियम। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगती कि महात्मा बुद्ध के पास वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, अनायास
एक व्यक्ति उनके सामने आया और उनको गालियां देने लगा। वो शांत मुद्रा में बैठे रहे, एकदम शांत, शांत मुद्रा में बैठे रहे। तो 1 घंटे बाद उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मन, मैंने आपको इतनी गालियां दी, आपको समझ नहीं आई? उन्होंने बहुत शॉर्ट में एक ही उत्तर दिया, अगर मैंने कोई चीज ली नहीं तो वो किसके पास रहेगी? सामने वाले के पास। उस व्यक्ति को वो बात हिट कर गई, समझ आ गई। उन्होंने उनसे क्षमा, क्या किया? किसी ने आपको कुछ दिया, अगर आपने उसको सोच सोच कर या उसमें गलत भाव भरकर उसको एक्शन में ले लिया, तो ये अब आपका कर्म मल्टीप्लाई। और अगर आपने लिया ही नहीं, किसके पास रहा? हम क्या करते हैं? किसी ने एक बात बोली तो आप क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से तो देना हो। आपने एक पत्थर से दिया तो सामने वाला क्या करेगा? 2 पत्थर, फिर आप 4, फिर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए? हम चाहते हैं मेरे जीवन का नसीब, मेरे जीवन का भाग्य अत्युत अत्युत। आप मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान से भी मांगते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु नसीब अच्छा देना, मेरे बच्चे का नसीब अच्छा। कभी सोचा है? भगवान को भाग्य विधाता तो जरूर कहते हैं, तो क्या वो सबका एक एक का भाग्य लिखता है? क्या कहेंगे? लिखता है। भगवान भाग्य विधाता, भाग्य लिखने की विधि सिखाता है, भाग्य लिखने की विधि सिखाता है, भाग्य नहीं लिखता। क्योंकि अगर वो लिखने बैठे तो सबका ही एक जैसा लिखे, पिता है। आपके अगर 2 बच्चे हैं, दोनों के नसीब में आप क्या चाहोगे? एक का नसीब अच्छा, एक का नहीं अच्छा, ऐसा लिखो? सोचो, आप भी माता पिता हैं, आपके अपने 2 बच्चे, आप क्या चाहोगे? दोनों बहुत खुश, दोनों आगे बढ़े, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों से एक्सपेक्टेशन भी वही रखेंगे, दोनों अच्छे। या आप सोचोगे ये बहुत अच्छा बने, नहीं बने तो हट जाए। अगर वो व्यक्ति, अगर वो बच्चा कम अच्छा भी होगा ना, तो भी आप कहोगे नहीं नहीं अच्छा बन जाएगा, ये भी आगे बढ़े। आपके अंदर वो शुभ भाव है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी भाग्य विधाता है, विधि बताता है। विधान लिखने बैठे तो वो तो परफेक्ट, सबके लिए परफेक्ट लिख देगा, पर वो हो नहीं सकता। सृष्टि का विधान अलग है। देखा है कई बार एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चे, एक ही समय पर, कई बार आप देखिए 2 बच्चे पैदा हुए, उनकी घड़ी सेम है, लेकिन क्या सोचोगे, भाग्य सेम है क्या? अलग है। घड़ी सेम है, पैदा होने की घड़ी सेम है, लेकिन क्या भाग्य सेम होगा? सोचो। तो आप कहेंगे नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? जब ग्रहों का प्रभाव मेरे ऊपर है, उस बच्चे में भी ग्रहों का प्रभाव है, वही ग्रह सेम है, तो क्या वही भाग्य होगा? नहीं। कैसे फर्क पड़ेगा? ग्रहों का प्रभाव आपके संस्कारों पर पड़ता है।
मेरे संस्कार कैसे? ग्रह तो है ही, लेकिन मेरे संस्कार कैसे? अगर मेरे संस्कारों में दिव्यता, श्रेष्ठता, उच्चता है, उसका प्रभाव नहीं होगा। इसको यूं देखिए, अगर दो बच्चे हैं, दोनों को 103 बुखार है, दोनों को, एक बच्चा जिसको 103 बुखार है, वो पूरा घर सर पे उठाता है, रो रो के बुरा हाल होता है, परेशान होता है, परेशान करता है। दूसरा बच्चा है, वो बहुत शांत है, माँ बाप को भी रिलैक्स करता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई ले रहा हूं ना, ठीक हो जाए। कई बार तो बच्चा छोटा होता है, उसको पता ही नहीं पड़ता, वो खेलता रहता है, माँ बोलती है तुमको बुखार है, तुम आ जाओ रेस्ट करो। ये कैसे होगा, कैसे फर्क आ रहा? उस बच्चे के कमजोर संस्कार, उसकी सोच, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा, मुझे बुखार, जिसको आप बोलती है बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, और दूसरे के लिए आप क्या करें, ये बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, तो क्या काम कर रहा है, कौन सी चीज काम कर रही है? उसकी इनर स्ट्रेंथ, उसका आत्मिक बल, उसके अपने संस्कार। तो व्यक्ति को संस्कार कार्य करते हैं इस कर्म के साथ। मैंने सोचा, उसके साथ मेरी भावनाएं, मैंने बोला, उस अनुसार मेरे संस्कार, उस अनुसार मेरा संस्कार, तो उस अनुसार मेरी डेस्टिनी तैयार, मेरा भाग्य तैयार। जैसा मेरा संस्कार, वैसा मेरा भाग्य, वैसा मेरा भाग्य। संस्कारों से भाग्य तैयार हो रहा है। हम जो करेंगे निश्चित तौर पर वही लौट करके आएगा। मान लीजिए, मान लीजिए एक सामने बिजनेस करता है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस रन करता है, बहुत मीठा बोलता है, कोई भी उसके पास आता है बहुत प्यार से बोलता है, मीठा बोलता है, शुभ भावनाओं से युक्त बात करता है। जब भी वो आता है, कोई भी उसके पास ग्राहक, तो आते बोलते हैं आइए आइए, कैसे हैं आप, सब कुशल मंगल है, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो आपको दुकानदार जानता भी नहीं, लेकिन आपसे कैसे बात करते हैं, आइए आइए, अरे ये देखिए, ये तो खास आपके लिए रखा हुआ था कि आप आएंगे, उसको पता भी नहीं। अब ये जो आपकी कनेक्टिविटी होती जाती है, कहते हैं आप, वो दुकानदार बहुत अच्छा था, क्या था उसके पास, उसने शुभ भाव से आपको दिखाया, उसके बोल मीठे थे, अब आप वहां अपनी कनेक्टिविटी कर पाते। अब आप जितनी भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप वहां से सामान लेते हैं, तो आप उनको भी क्या कहते हैं, अरे उस दुकानदार के पास जाना, वो बहुत अच्छा, क्या याद रहा, उसने जो किया, जो दिया, वो आपको याद रहा, जिस प्रकार से दिया वो याद रहा। कभी कभी आपने देखा है कि किसी किसी के पास, दुकानदार के पास जाओ, और वो तो बहुत गलत ढंग से पेश आता है, तो आप क्या कहते हैं,
मैं इसके पास क्या जाना, इसके पास क्या जाना, इसके पास तो जाएंगे तो ये तो रफ ही बोलता है, इसको बोलने की सेंस। तो आपने क्या देखा, दोनों में अंतर, किसके पास लोग ज्यादा जाएंगे, जिसने मधुर व्यवहार किया। तो सोच के साथ मेरी शुद्ध शुभ भाव युक्त व्यवहार, मैंने जो दिया उसी से फिर मल्टीप्लाई। अब जो श्रेष्ठ कर्म हुआ तो रिटर्न में उसके ऑटोमेटिक कस्टमर्स पड़ गए क्योंकि अच्छा। और दूसरी तरफ अगर जो अक्खड़ होता है तो कहते हैं इसके पास छोड़ो भाई, आज नहीं, दिन खराब हो जाएगा। तो खराब का कहां से आया, क्योंकि उसने जो बोल बोला उससे कट गए, आपने जो दिया। इसी प्रकार से कई बार हमारा जो कर्म होता है निगेटिव है, बहुत सुंदर एक पिक्चर अभी देखी थी हमने कि मान लीजिए मांस काटने वाला है, काटने वाला, फिर बेचने वाला, पकाने वाला, रोल सबका अलग अलग, रोल चल रहा है, एक काट रहा है उसका उतना रोल, एक बेच रहा है उसका रोल, एक पका रहा है और एक खा रहा है, चारों के हिस्से में उस कर्म का फल आएगा या नहीं। कभी कभी कहते हैं मैंने थोड़ी बेचा था, मैंने थोड़ी पाप किया था, मैंने थोड़ी काटा, लेकिन मैंने जो कर्म जितना किया है जैसा कि मुझे उस अनुसार रिटर्न मिल रहा है। सबके अपने अपने रोल्स हैं, जो जितना है उतना ही मेरे हिस्से में आना है जो किया है, उतना ही प्रतिफल लौट करके आना है। आपने देखा होगा कई बार जब कोई ऐसी दुर्घटना या घटना हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है कई बार अपराधियों को, कोशिश करती है उस तय तक पहुंचने की कि ये प्लान कहां से बना, किसने बनाया, कौन था वो मास्टरमाइंड कौन था, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग न्यूज़ में। उस मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये अपराध की शुरुआत कहां से, और जो जो उस कड़ी में आता जाता है उस कड़ी के अनुसार उनके ऊपर वो जिम्मा, वो कर्म का फल डाला जाता है। कभी कभी कई लोग कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन जब कर्म की बात करते हैं, कर्म की बात मात्र आज से शुरू नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि मैंने बीज कब डाला, जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज डालते हैं तो कहा जाता है दादा लगाए पोता खाए, माना कितने वर्ष, कुछ सीजनल होते हैं, अभी किया अभी मिला, अभी आपने फूलों का पौधा लगाया ये सीजन है उनका, तुरंत मिल जाता। कुछ बहुत लगाते हैं, क्या कहते हैं भाई ये वृक्ष तो है ना हमारे गांव में, हमारे दादा परदादा ने लगाया हुआ था, आज तक भी हम गांव में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने लगाया था। तो कहां से आ रहा है, हमने कुछ कर्म अपने पास्ट लाइफ में किए हुए हैं, अनेक अनेक जन्मों में, आज तो ठीक है, आज मैंने कुछ नहीं किया,
एक छोटी सी घटना कहानी के रूप में सुनाती हूँ। दो बच्चे थे, एक बहुत गुणवान था और एक दूसरा एक तरफ बिल्कुल ही विपरीत। वो बहुत अच्छा था, सद्गुणी था और दूसरा शैतान प्रवृत्ति का था, बेईमानी प्रवृत्ति का था। दोनों जा रहे थे, पता नहीं दोनों की मैचिंग भी कैसे थी, और दोनों दोस्त थे। तो दोनों एक बार रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जा रहे थे तो अनायास उन बच्चों को एक पर्स दिखाई दिया, और पर्स दिखाई दिया तो जो बेईमानी प्रवृत्ति का था उसने उसको उठा लिया। बोला, अरे अरे देखो इसमें 1,000 रुपया है, 500-500 के दो नोट है, आज तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिना कमाए देखो। इसको कहते हैं नसीब, दो नोट है, बांट लेते हैं दोनों आधा आधा। दूसरे ने कहा, नहीं, जिसका गिरा वो कितना परेशान हो रहा होगा, हमें क्यों रखना है, चलो हम पुलिस स्टेशन पर दे देते हैं। बोला, भाई तेरा तो साथ करना बेकार है, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो सारा का सारा पर्स मैं अपनी जेब में डालता हूँ। क्या मतलब है, वो अपनी जेब में डालेंगे, वो कौन सा उसको देने वाले, मैं तो अपनी जेब में, मेरे को तो भगवान ने दिया, मैं किसी का लेने थोड़ी गया। थोड़ी दूर गए, आगे गए, दूसरा जो भला व्यक्ति था उसको पैर में कांटा लग गया और खून निकल आया। खून निकल आया तो वो जो थोड़ी सी बेईमानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसने ले लिए मजे, भले के मजे मिल गए, ज्यादा भला बनता है। अब देखकर तो कितना मुश्किल लगता है, कितना दुख होता है, मैंने अच्छा किया, मुझे मिल क्या रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। और ये दोनों प्रवृत्ति के लोग जो थे, ये जब आगे गए सोच रहे थे, ऐसा क्यों हुआ, अच्छे के साथ बुरा क्यों, बुरे के साथ अच्छा क्यों। तो वो गए किसी से, किसी के पास, और उसके पास, व्यक्ति के पास जो विद्या थी उससे जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों हुआ। तो पास लाइफ में वो लेके जाता था व्यक्ति, ऐसा क्यों हुआ, तो मालूम पड़ा जो बुरा व्यक्ति था वो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा। लेकिन जब हम अच्छे होते हैं, विधाता कहूं, विधि कहूं, विधान कहूं सृष्टि का, हमारी लाइफ में हर एक के सामने टेस्ट तो आते ही, दो टेस्ट में वो पास हो गया, अच्छा ही किया, कुछ भी हुआ, लेकिन लास्ट के टेस्ट में उसने अपना स्वभाव बदल लिया, राहें बदल ली, और राह बदलने के कारण, उसी संस्कारों के कारण, उसने गलत काम करने शुरू कर दिए। तो अच्छाई के संस्कार तज के उसने बुराई के संस्कार एडॉप्ट कर दिए, और बुराई के संस्कार जब एडॉप्ट कर लिए तो उसका फल उसको बहुत कुछ मिलने वाला था, बहुत कुछ मिलना था। परंतु अब ये जो माइनस हो रहा था, पहले अच्छाई के थे तो उसको रिटर्न में जो अच्छाई करोड़ों मिलने वाले थे भाग्य में, अब उसने जो बुराई की वो कटते कटते सिर्फ 1,000 रुपया रह गया। दिख रहा है कि आज पुरुष, और जो दूसरा था आज अच्छा था, वो अपनी जिंदगी में पिछले जन्मों में बहुत गलत व्यक्ति था, पाप कर्म किया। फर्स्ट टेस्ट, दो टेस्ट उसने वही कर्म किया,
लेकिन लास्ट में उसको रियलाइज हुआ दिस इज नॉट अ लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी का बदलाव करना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी एक साधु प्रवृत्ति की जिंदगी बना दी, क्योंकि ये जब लास्ट में मोड़ आया और साधु प्रवृत्ति की जिंदगी बना ली, सबको दान करने लगा, सहयोग करने लगा, मदद करने लगा, बुराई का फल बहुत होना था, लेकिन अब उसने जो अच्छाई करनी शुरू की, इसके कारण सिर्फ इस जन्म में, क्योंकि कर्म का प्रतिफल तो आएगा, कटते कटते बस मात्र कांटा रहे, दिखाई दे रहा है पांव में, इतना सा ही रह गया इतना सा ही रह गया। तो कर्म का प्रतिफल तो है, लेकिन मेरे हाथ में अभी वर्तमान का समय है। मैं इसको कैसे वर्तमान में ठीक करूं? पास्ट का हमको मालूम नहीं है, लेकिन अभी के मैं संस्कारों को, अपने को जानती हूं, समझती हूं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो अपने को समझने के कारण हम अपने कर्मों पर ध्यान दें कि मेरा कर्म शुभ भावनाओं से युक्त, श्रेष्ठ भाव से। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूं। एक परिवार आता है और वो परिवार, बहुत से परिवारों में ऐसा होता ही है, बच्चे अलग हो जाते हैं, बहू बेटे अलग हो जाते हैं, कई बार यहां तक कि उनमें बातचीत भी नहीं रहती। ठीक वही बात इनके साथ भी थी। माँ बाप अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, बेटा अपना परिवार लेके अलग चला गया। 2-3 साल गुजर गए, मां बाप और बेटा और उसके परिवार में आपसी कोई वार्ता नहीं थी। एक दिन मां बाप को ये बातें सुन के रियलाइज हुआ, नहीं बेटा तो मेरा ही है, बच्चा तो मेरा ही है, मेरे को उसके बिना कितनी तड़पन है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूं, मुझे रोज उसकी याद आती है, मुझे अपने पोते पोती को खिलाए कितना समय हो गया है, मैंने उनका बचपन का सुख नहीं लिया, और जो मुझे बहुत सुखद एहसास देते थे, खुशी देते थे, आज वो पल मेरे हाथों में नहीं है। क्यों मैं उसके घर नहीं जा सकता, पिता ही तो हूं। ये विचार आते ही दोनों माता पिता बच्चे के घर गए, बेल की, बेटा निकल के आया, बाप को गेट पे देखकर देखता रह गया, पिता कुछ बोल नहीं पाया, अंदर चलाया, माता पिता पीछे पीछे चले आए, और जाते ही उन्होंने देखा उनकी छोटी सी पोती खेल रही है। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी बेटे को कुछ कहने की, क्या बात करें, कहां से शुरू करें। उन्होंने उस पोती को गोद में उठा लिया, कहने लगे, बेटा तेरी याद बहुत आती है, तेरे को मैंने क्या दिया ये सोचकर मन परेशान होता है, आज मन हुआ तुझे प्यार देने का, तेरा प्यार पाने का। और वो बच्चा भी जब इतना शुभ भाव से दादा ने उसको लिया गोद में, वो बच्चा भी चिपक गया दादा की गोद में, और दूसरा बच्चा दादी के पास आ गया, बेटा देखकर उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई, रो पड़ा,
कि पिताजी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर। कौन सी चीज एहसास कराती मेरे अंदर की शुभ भावना, ये पुराने कर्मों को काटती है, आज मेरे अंदर ये शुभ भाव चाहिए। इसलिए जब परमात्मा हमें सद ज्ञान देते हैं या विधान सिखाते हैं भाग्य लिखने का, वो एक ही बात सिखाते हैं कि अगर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, अगर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो दो बातें ध्यान में रखो, देने में लेना है, जो देंगे वो वापस आएगा, ये याद रखो। जो मैं दूंगी, मैंने कर्म किया, भाग्य के रूप में मेरे पास वापस आना है, मैंने जो दिया। अगर मैंने अच्छा बोला, रिटर्न में सबका प्यार मेरे पास आ, ये ऑटोमेटिक है, जो देंगे। ये विधि हमें समझनी है। दूसरी बात, जो प्रभु हमें सिखाते हैं वो ये कहा करते, स्वयं को प्यार करो, लव थाइसेल्फ, अर्थात अपनी क्वालिटी विशेषताओं को इंप्रूव कर। मेरी आंतरिक शक्ति अगर मैंने सुंदर बनाई, वो शक्ति वातावरण में जाए, मेरे सोच, वो वाइब्स, वो वाइब्रेशन चारों तरफ, क्योंकि मेरी आंतरिक शक्ति अगर स्ट्रांग है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी ही रहे, वही जाएगी। मेरे अंदर अगर सद्भाव है, वही ऑटोमेटिक जाएगा। तो इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी विशेषताओं को जागृत करने के लिए, स्वयं से प्रेम करिए। स्वयं से प्रेम करना माना अभिमान नहीं है, अभिमान अलग चीज है। अभिमान व्यक्ति को गिराता है, लेकिन कहा जाता जितना व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता जाता है उतना सरल होता जाता है, जितना वृक्ष में फल लगते जाते हैं वृक्ष झुकता जाता है। और ये भी कहा जाता, फलों से लदा वृक्ष, वृक्ष में जो फल होते हैं वो खुद के लिए नहीं होते, किसके लिए होते हैं? दूसरे के। बीज हम एक बोते हैं, फल हम अनेक खाते हैं। जो हमने बोया है वो आएगा। तो हमें जीवन में दो तीन बातों को याद करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ सदा अच्छा हो, तो वर्तमान मेरे हाथ में, पास्ट मेरे हाथ में नहीं, मुझे पता नहीं पास में मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है, पता नहीं। मान लीजिए बुरा भी किया, अगर उसका रिस्पॉन्ड मेरे पास आ रहा है, आज मैं उसको पॉजिटिव उससे रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो कौन सा क्रम शुरू हो जाएगा? मैंने आज जो किया है, आज जो दिया है, इसलिए जैसे खेती कोई करता है तो क्या करते हैं, धरती को उपजाऊ बनाते हैं, धरती उसको जल से सींचा जाता है, उसमें बीज बोया जाता है। इसी प्रकार से मुझे शुभ भावनाओं के जल से अपने जीवन को सींचना है। तो स्वयं को प्यार कीजिए, शुभ भावनाओं के जल को अपने अंदर डालिए, शुभ भावना रखिए सबके। और शुभ भावना अगर है तो मेरे संकल्पों की शक्ति है, शुद्ध संकल्प काम करें, ये कनेक्टिविटी, सोच भाव, भाव सोच। तो मेरा सोच सुंदर, मेरी भावना सुंदर, मेरा सबके प्रति सम्मान का, रिस्पेक्ट का, प्यार का भाव, अपने लिए भी, दूसरों के लिए। और उसके लिए अब चाहिए चौथी चीज, एक बात हमें जो ध्यान रखनी है, मनुष्यों के कर्मों की जो गिरावट आती है उसमें कहीं ना कहीं रोल संघ का हो, जिस संगत में हम आ जाते हैं, जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है।
इसलिए मुझे अपने अंदर के श्रद्धे रखने के लिए मुझे स्वयं को संग देना है भाग्य विधाता का, जो विधि दे रहा है हर घड़ी। मेरा श्रेष्ठ संग हो, श्रेष्ठ संग है मन सत का संग है। सत संग, अब सत संग माना ये नहीं आप कहेंगे कि हम पूजा पाठ करने लग जाएं, लेकिन मेरा नजरिया, मेरे अंदर के शुद्ध भाव, शुभ भाव, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मेरा संग, मेरा संबंध उस ऑलमाइटी के साथ, तो मेरे अंदर स्वच्छता बनेगी। इसलिए कहते हैं पहले के जमाने के लोग कहा करते थे, भाई प्रभु सिमरन करो तो गलत काम नहीं होगा, प्रभु चिंतन करो तो आप व्यर्थ चिंतन से बच जाएंगे स्वाभाविक, क्योंकि मन कुछ तो सोचेगा, या तो ये महिमा करेगा या बुराई करेगा। तो मैं प्रभु महिमा करूं जो है ही महिमावान। मनुष्य की महिमा के लिए तो हो सकता है मेरे मन में आज सम्मान हो कल ना, लेकिन प्रभु महिमा करूं तो ऑटोमेटिक उसकी शक्ति मेरे पास आएगी और वही शक्ति हम सबको। दूसरी चीज, जो मैं प्रभु महिमा करूंगी, हमें वो चीज औरों को भी देनी। हम जिनसे मिले, जिनसे बात करें, जिनके संपर्क संबंध में आए, मैं हमेशा सोचूं मैं उनको अच्छी बात सुनाऊं या शब्द, बुराई की बात मेरे अंदर ना जाए। मान लीजिए आप सवेरे वॉक पर निकलते हैं, आपने देखा होगा कई बार वो कचरा कहीं इकट्ठा होता है तो कचरा बीनने वाले छोटे छोटे बच्चे भी उसमें लगे हुए होते हैं, उसमें बीनते रहते हैं, देखा होगा कभी, कई बार उसमें बड़े भी होते हैं। आपने कचरा फेंका है, वो क्या कर रहा है। एक बार एक बच्चे से मैंने कहा, बच्चे तुम कचरे में क्यों अपना हाथ डाल रहे हो, इसमें क्या मिलेगा तुमको। छोटा बच्चा, मासूमियत उसके चेहरे पर थी, उसने जो जवाब दिया, दीदी हम गरीब इंसान हैं, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं कचड़े में कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी डाल देते हैं, वो हमारे काम की। मैं उसमें से देख रहा हूं कोई मेरे काम की चीज मिल जाए। ये प्रैक्टिकल घटित घटना जो मुझे कभी कभी याद आती है, वो कचड़े में भी अच्छाई देखता है, कोई कीचड़ में भी कमल देखता है कोई, लेकिन हम उसकी कमजोरी को देखते हैं तो अपने अंदर कचड़ा भर जाता है। अगर उसकी अच्छाई को देखें तो हम प्रभु का शुक्रिया कर पाएंगे, भगवान का शुक्रिया करो, सब बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा है। ये है सत्संग की मुख्य बात। मेरे पास जो है बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा करते करते सब अच्छा हो जाए, और बुरा कहते कहते सबसे पहले बुराई कहीं और नहीं, मेरे अंदर ही है, दुख की शुरुआत मेरे अंदर होगी। इसलिए आज से ये सब बंद करिए, बंद करिए, शुक्रिया करिए प्रभु का और सभी का। कोई बात हो गई, अच्छा उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया,
उसके मुख के शब्द आप उसको वापस कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, मैं शांत, ये शांति का भाव, मैं उसको स्नेह दू, शुभ भाव दू, ये जो मैंने रिटर्न मन ही मन दिया, मेरा तो पुण्य का खाता जमा हो गया और वो उसका प्रभाव उस आत्मा पर भी जाएगा। तो हम दें, देने में लेना समाया है, लेना मत शुरू कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए, ये अच्छा बोल, मैं अच्छा बोल, मुझे करना है, मुझे प्यार चाहिए, मैं देना शुरू कर दूं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं देना शुरू, मुझे सबकी गुड विशेस चाहिए, मैं सबको गुड विशेस देना शुरू कर दूं, तो ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो आइए आज से नया दिन शुरू करें, नया जीवन शुरू करें, पुराना समाप्त करें। आज सवेरे तक के जीवन को हम फर्स्ट स्टॉप, जो हो गया उसे याद नहीं, अब आज से मेरी कलम नई, कर सकते हैं, कर सकते हैं, शुरुआत कीजिए। मैं अपना अच्छा लिखूं, बच्चों को देखा है कभी अपनी नई कॉपी खरीदते हैं ना, तो फर्स्ट पेज पे क्या करते हैं, अच्छा लिखवाने मैम को बोलेंगे, मैम इस पे कुछ आप लिख दीजिए, पेरेंट्स को बोलेंगे कुछ आप लिख दो ना अच्छा सा, मुझे क्या करना चाहिए आप लिख दो। मैं भी अपने लाइफ के इस पन्ने पर रोज सवेरे अच्छा लिखूं, और लिखने के साथ साथ मैं जिससे मिलूं उनके पन्ने पर मैं अच्छा लिखूं, उनके पन्ने पर भी मैं अच्छा लिखूं, दूसरे आते हैं ना लिखवाने के लिए, में दूसरे के पन्ने जो मिला पांच। अच्छा मुख से नहीं बोल सकते, आप कहते हैं मेरे मुंह से नहीं निकल, स्माइल तो कर सकते, स्माइल में तो कुछ नहीं, मुस्कुराहट बहुत सी समस्याओं का समाधान है, मुस्कुराइए, ना कि मुंह मोड़ के, मुंह मोड़ के आज जितने दिन जिएंगे वो कर्मों के फल के रूप में तो आएगा ही आएगा, ये लेन देन पुराना मुझे समाप्त करना है, यही काटना है, मुझे अच्छा करना है, वो ऐसा है वो वैसा है वो तो पता है ना, लेकिन मुझे उसको अच्छा देना है, वो ऐसा वैसा है माना वो कमजोर है, मैं अच्छा हूं तो मैं शक्तिशाली हूं, मैं मेरा फर्ज है देना। तो जिंदगी में आप सदा देने वाले बनिए, तो आइए इसी भाव से थोड़ा सा प्रभु सिमरन करें, मन को उस ओर ले जाएं, शांति के सागर की ओर, सुख के दाता की ओर, जो सदा सुख देने वाला है, जो सदा शांति देने वाला है, जो हमें प्यार से भरने वाला है। तो हमने जो आज जीवन के मूल मंत्र पक्के किए उनको दोहराते हुए प्रभु स्मृति में बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, सामने देखें, अपने मन को संकल्प दें, मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा, मैं शुद्ध भावों से भरी ये मन, ये बुद्धि शुद्ध और शुभ भावों से भरा, मैं चैतन्य शक्ति उस सर्व शक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान
कुछ पलों के लिए इस मन और बुद्धि को सूर्य चांद तारागण से बाहर पार ब्रह्म महतत्व की ओर ले चले, जहां पिता परमात्मा और मुझ आत्मा का वो घर है। मैं आत्मा अपने इस प्रकाश की दुनिया में आई, ज्योति के पुंज महाज्योति के सामने अपने मन का संकल्प मैं रख रही, मुझे सबको धन्यवाद देना है, शुक्रिया करना है। सबसे पहले तो उस पिता का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है, जिसने ये सुंदर जीवन शक्तियों से भरपूर गुणों से युक्त करके दी है और वर्तमान में भी मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे। मुझे सबको स्नेह प्यार देना है, उस पिता ने ये जीवन देने के लिए दिया है, सबको प्यार खुशी बांटनी, परम पिता सर्वशक्तिमान मुझ आत्मा की झोली खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। मात्र ये संकल्प आना खुशी देना ही अपने आप में खुशी को मल्टीप्लाई कर, अपना संग श्रेष्ठ रखना है, नित्य सत्य का संग, प्रभु का संग करना है, दुनिया का संग, परेशानियों कठिनाइयों कमजोरियों बुराइयों का है, प्रभु संग, सत्य ज्ञान, सही समझ, दिव्य बुद्धि, सद्बुद्धि के लिए परमात्मा का हाथ, प्रभु प्रेम से भरा हाथ, वरद हाथ मेरे सिर पर महसूस कीजिए। ये मन और बुद्धि एकदम शुद्ध पवित्र, ये सत का संग दिव्य और अलौकिक है। जो स्वयं को शक्ति से भरता औरों को भी शक्तियों से भरपूर करता है और आज से मुझे किसी के भी अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है,
देखना भी नहीं। मुझे तो सत का संग करना है, इसी मनोस्थिति के साथ उस परमात्मा का प्रभु प्रेम महसूस करें, प्रेम से कहें, बाबा सर्व शक्तियों के दाता, भाग्य विधाता, आप मेरे साथ, मैं सदा भरपूर, मेरी काट सदा श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा, इसी स्मृति को पक्का करें। और इसी संकल्प के साथ स्वयं को बाह्य जगत पर ले आए, इसी संकल्प से कर्म करने, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रेष्ठ आत्मा, नित्य सवेरे सवेरे अपने को इस संकल्प से ओतप्रोत कर, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।